आजकल ना माचिस ही सर्वाइव कर रही होंगी, जैसे तो दिए को क्या जलाएंगी इतनी देर से, धीरे धीरे चलो। सीलन आ गई, सीलन बीड़ी पीते हुए तो खूब जलाती हो तुम माचिस। अब क्यों नहीं जल रही? अरे भाई हमारा बच्चा तो सो गया, उठ जाओ मेरे लाल, स्कूल का टाइम हो गया, ये देखिए कमाल हो गया। चल भाई कर ले बुनू, जल्दी कर यार, तूने भी देर करा रखी है तू। चल 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 चल, देर हो गई स्कूल के लिए। तो सबसे पहले जाएंगे आरव को छोड़ने के लिए, इट्स 7:15, 10 मिनट है हमारे पास फटाफट से स्कूल पहुंचने के लिए। ये गौ माता क्या कर रही हो? बाय बाय। अबे बता दो आरव, बता दो अगर मन नहीं कर रहा तो। बाय भागो भागो भागो। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए और यहाँ पे ये आप साइकिल सवार आपने देखे, तो अक्सर मैं इन्हें देखता रहता हूँ, तो आज इनसे पूछते हैं कि ये लोग कौन हैं और इतनी अच्छी साइकिल्स लगी कहाँ जाते हैं। पहले परमिशन ले लूँ फिर बात करेंगे। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। मैं अक्सर आप लोगों को देखता हूँ कोटद्वार की सड़कों पे, रामडी पुलिंडा वाली रोड पे आप लोग साइकिलिंग करते हुए जाते हैं। बहुत सबसे पहले तो बहुत बधाई आप लोगों को, आप बहुत अच्छे लगते हैं, यू ऑल आर लुकिंग लाइक अ सुपर हीरो टू मी। तो ये जो साइकिल सवार है हमारे, ये आर्मी के जवान हैं जो तैयारी कर रहे हैं साइकिलिंग की, और इधर से बच्चे आ रहे हैं हमारे दोस्त। जय बद्री विशाल, कैसे हैं आप लोग? जय शंकर। पार्वती पते नमः हय हय महादेव। इंडिया वाला डिस्टर्ब कर रहा है, कैसे मार रहा है। चलो चलो दोनों चलो, भागो भागो भागो, धक्के मार मार के फिर से आगे। चल भाई तुमको यहीं पे क्या चाहिए, भागो भागो भागो। ओ फिर उछलने लग गए। आज देखो लो गधा कैसे दुलत्ती मारता है, मार मार मार। तो आज गली में गधों का कब्जा हो गया है और भाग भी नहीं रहते, ये सबसे बड़ी बात। और पहली बार मैंने देखो फिर आ गया और दुलत्ती मार रहा है। तो एक गधा ऐसा उल्टा हो रहा है उसकी तरफ और फिर उसे भगा रहा है। अब आ गए हैं क्रांति वीर, ये भगाएंगे। क्या लात मारी। तो नमस्कार दोस्तों, ग्राम जगत में आपका स्वागत है। आज के हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार, आप सबका नहीं मेरा स्वागत है। हाँ स्वागत है ग्राम जगत में। आज यूँ फटाफट एक गड़ो गाड़ से आज ग्राम जगत तक शुरुआत करते हैं। गाना तो आने नहीं लगी ग्राम जगत के आंकते जो गाना ही नहीं आड़ू। दगड़ा रुकी के जरा पहले गाना सुचन पड़ल। और आप समझ गए वेला हम कछो जो समर जंगल ये देखना तो कितना हारू और बार और मेरे छोटे परिवार क्या राज खुशी आहा बस जो किले ते परिवार रखा राज खुशी मां। और ये लड़की ना जानबूझ के मेरे चेहरे पे ले गई रही कैमरा ताकि मैं और बड़ा मुंह दिखाई दे मेरा और मैं ऐसा लगूं कि बहुत मोटा आदमी है। दूर पकड़ो बोला म्यारा डांडियों का ज्यों का मुलुक जेलू बसंत ऋतु माए। अबे एलू था वो एलू। कृपया आवाज पे ध्यान दी जाए, गाने की भावनाओं को समझे। भावनाएं भावनाओं को भावनाएं ज्यादा जरूरी है। ग्राम जगत में आग लगा रहा है। अरे यख मछुई वक मछुई जख मते को तक मछुई सुख बुदून रेंदी दिन रात की
सुध बुध ने रेंदी दिन रात की कुभग्यान खालू तेरो हाथ की तेरो हाथ की। तो दोस्तों 9 बजने वाले हैं, पौने 9, इट्स 8:45। अभी खाना नहीं बनाया हमारा और भाई को बहुत भूख लगी है, तो चलते हैं घर, बने रहिए हमारे साथ। भूखे इंसान के साथ है। और तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रेव पहाड़ी नीरज और आज का ब्लॉग बाइक पर। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अरे बंद जाना चाहिए, हेल लगाना कुछ किनार मोती की थोड़ी। चल बनी अंदर, चल चल दरवाजा खोल। राजा साहब आ गए। राजा साहब, हम खोलेंगे आपका दरवाजा, हम खोलेंगे। आइए आइए, आओ पुत्र, आओ अंदर चलो। सो जा। सर बहुत काम है तेरे पास। हाँ नानी, ख्याल रोटी काम हो तो मैं तीन पराठे नहीं खा। ना ना नहीं नहीं खा, ना लो पर नहीं खा है। एक टुकड़ा तो आदमी वो पड़े कि हाँ मैं एक बैठ खाए ले लूँ मार वो इन साग आबाद। ओ भूमि तेरी जय जयकारा म्यारा हिमालय। जय बद्री विशाल। तो मैं आपके लिए एडिटिंग कर रहा था। ये ब्लॉग आज आएगा और आज आएगा, पर जब आप इसे देख रहे होंगे तो ये तो कल आएगा, लेकिन वो आ जाएगा। अब समझा मैं कि मुझे कहना क्या है। तो एडिटिंग हमने कर ली है और 10 बज चुके हैं। तो आजकल मेरे हाँ जी आओ, खाने लग गया। अच्छा, तो जब भी आप देर कर देना तो बड़े प्रेम से बोलें हाँ जी, तो सामने वाला पिघल जाता है। और आजकल ना मेरी सारी पैंट टाइट हो गई है। ओह टाइट नहीं हो गई, ढीली हो गई है। कपड़े ऐसे लग रहे हैं जैसे मांग के पहने में। तो भाई थोड़ा पतला हो गया आजकल। और तू हेल मांगता है तो दोस्तों आज झपट के बता देते हैं क्या बना है। ओहो बताएं क्या, घोड़े चने। यस, तो अब हम घोड़े की तरह दौड़ेंगे, टकबक टकबक। अरे वाह, अरे नहीं दोस्तों, और भी कुछ बना है। तो साथ में बने हैं आलू के गुटके। ग्रेट, ग्राम जगत के कार्यक्रम में आज दोस्तों पूरा दिन ग्राम जगत चलने वाला है, तो ग्राम जगत को एंजॉय करें हमारे साथ। बिल्कुल कोई पुराना गाना सुनाओ जो आपके जमाने में रेडियो में बजता रहो। देखते हैं रेडियो में। हाँ, तू ध्यान दे चने चुनरी, तू ध्यान दे चने चुनरी, सच्ची प्यारा सो जब हुनिन छुई रूपके तैली तेरो नौके तेरो तेरो रूप देखे के। बस बस इतनी फुटेज खाएं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, आनंद आ गया, वाह। सतपुलिक मेला में ये, हाँ ये गाना मेरी दादी गाती थी। है? हाँ, मेरी दादी सुनाती थी इस गाने को। गढ़वाली गीत जो सबसे पहला मुझे याद है जो मैंने रेडियो में सुना था, वो बताऊं कौन सा था। म्यारा ढबरा हड़ चिगिनी, म्यारा बकरा हड़ चिगिनी। इट्स 120 और हम आए हैं सुपर अरब को लेने के लिए। आ गए, आज मैं थोड़ा लेट, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हो गया। टेस्ट कैसा हुआ? बढ़िया, बैठो, थोड़ा सा लेट हो गया मैं। हाँ लो, हेलो हेलो, खाना दो, सावन खत्म। सुन तो पहले से खाना खिला दो यार, आपके पौधे तो चिकन खाएगी। तो बनू ने भी सावन का व्रत रखा हुआ था, रखा हुआ था, रखा हुआ था, किसने रखा था? किसी बुद्धू ने। चल आरु की टेस्ट चल रहे, आरु कैसा हुआ तेरा एग्जाम? मस्त है, पर पक्का लाग रही है। सारा कुछ कर मस्त गया भाई। आपको पता है कैलेंडर कौन? बन्नू की रोटी। अरे बन्नू का, बन्नू के लिए सिकार उधर से बेटा, सेट सेट वो गुड बॉय बनते ले। ए नुकड़े बने, बन्नू बनी खाना चाहिए। बैठा दे मुन्नु, देख बन्नू देख, अभी बैठा रहना। हाँ जब मैं बोलूंगा तब खाएगा। इतने दिनों बाद उसे चिकन मिल रहा है और तब भी आप तरसा रहे उसे। गुड बॉय, आ जा चल। तो आप देखो ना कुत्ते कितने नाराज होते हैं, ये चिकन खा रहा है और मैं इसके खाने को ऐसे भी छेड़ सकता हूँ। तो हमारा बुत्तो बहुत शरीफ है, पर इसके लिए हमने उसे बचपन से ट्रेन किया है। उसे कोई बचाए, ये खाने के पीछे इनका धड़ा हो गया। पिटेगा मेरा, मैं पिटूंगा। मम्मी के भाव मेरा खा गया। तुम्हारा
मेरा गुलाम लग हाँ दो दिख ले सीधा सादा लगता है ना पहले उसने ज्यादा परेशान करता पहले है उसने नमस्कार दोस्तों, शाम के 6 बज रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़े थोड़े बादल भी है। और वो अभी तबला से आया और पता नहीं कहाँ जा रखा है, इसका एग्ज़ाम है और मैंने इसके लिए दूध गर्म भी कर दिया है, बच्चे भी थक जाते हैं ना स्कूल से आओ फिर तबला क्लास जाओ फिर उसके बाद शाम को थोड़ा सा खेलता है, फिर आजकल टेस्ट चल रहे हैं। आरव चल आ जा, क्या खेल रहे थे तुम? क्या खेल रहे थे? अच्छा ले मैंने बोला अरे भाई आरव प्रसाद, रात को कौन खाता है मैगी बेटे? मिल जाए तो हम खा लेते हैं रोटी के साथ मैगी खाएंगे। चल अरे दगड़े हम तो नहीं बढ़ूं गंडेल। अरे सावन में चल गया गंडेल तब। अच्छा तो आपसे सभी उठाए घे संग्रह तक बहुत बहुत बधाई, थोड़ा लेट ही लै देना चाहूँ कि ये दौरान हमारे शहर में आपदा ही है तो ई वैसे हम अपने घे संग्रह वो निकाल ज्यादा तो आप समझ सकते हो ये बात है, लेकिन खाए जरूर चमन हम नहीं बढ़ भाई गंडेल। हरियाली तीज तो हरियाली तीज आप सब अब से हरियाली तीज बिंदु तीन बार आ जाए। अच्छा हरियाली तीज का सब ते देर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामना। मम्मी देखो इस प्लेट में मैगी आएगी, इसमें मसाला जाएगा, सारा मसाला डालो उसमें हो जाएगा। सुब्रा तुम तो शेफ हो, मतलब बहुत खतरनाक हो। मैं ही बनाता हूं, ये मेरे टच की है। कितनी देर में बनी यार भाई मैगी? ये तो शुरू 15 मिनट भाई, मिर्च कौन टीवी में तो कहते हैं 2 मिनट में बन जाएगी, मेरे स्टाइल खानी है तो 15 मिनट लगेंगे। हां ये बात भी ठीक है। क्या फायदा फिर मैगी खाने का, उससे 15 मिनट में कच्ची मैगी पकाने के लिए 2 मिनट लगते हैं। अच्छा 15 मिनट में तुम्हें सब्जी रोटी खिला देती हूं। कोई नहीं कोई नहीं। सुपर आरव की मैगी बन चुकी है। रुद्र बाबू कब तक इस गरीब पे कब तक अत्याचार करोगे? उठ जाओ तुम्हें भी मिलेगी, आओ चलो क्या पता थोड़ी सी हमें भी मिल जाए, हमें तो मिलती नहीं वैसे, लेकिन भाई को चाहिए भी नहीं, भाई तो एकदम देख रहे हैं आप। हाँ दोस्तों अगर आप भी पतला होना चाहते हैं तो इसका एक उपचार है हमारे पास, रोज सुबह और शाम खाने के बाद सुने बीवी के ताने, आप भी पतले हो जाएंगे इस तरह से। और रही सही कसर, एक जाली माँ और उनकी एक बहू मिलकर पूरी कर देते हैं। मजाक कर रहे हैं, मजाक सी सोना हो तो बाल लगे कैसी इसकी माँ जो सबको पता है सबको पता है की सुनाना को बड़ा जवाब। देख लो इसी तरह से आपको इनको वो करना है, थोड़ा सा वो करना है तब ये ताने सुनाएंगे और तब आप इस तरह से स्लिम फिट हो जाएंगे। तो एक दोस्त ने पूछा था कि आप इतना फास्ट फूड खाते हैं आप फिट कैसे हैं? तो दोस्तों हमारी फिटनेस का राज यही है, उम्मीद है कि आप भी इस गुरु को सीख गए होंगे। और आज के लिए बस इतना ही, पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं, प्लीज़ 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और एक बार फिर से अन्नपूर्ण जी कहेंगे प्लीज़ पहली बार अगर हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें बिना ना जाएं, प्लीज़। एक बार मम्मी भी कहेंगी कि बोलूँ सब्सक्राइब करें जरूर। हाँ तो दगड़ियों अगर पहली बार चैनल में छो तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया, उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आ होलू, पसंद आया तो लाइक भी ठोक दिया और कमेंट करो भूलू नीचा। तो कल फिर होगी मुलाकात एक चटपट तीखे और एक जायकेदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय जय बद्री विशाल। एक सवाल पूछो, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम पहन भी सकते हैं और खाते भी, जिसको महिलाएं पहनती भी हैं और खाने में भी यूज करते हैं? बताओ बताओ रुद्र, तू पहनती भी हैं और खाने में भी यूज करती हैं। हाँ। तो दोस्तों ये सवाल आप भाई तो बताइए देख, लेकिन ये सवाल आपके लिए कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। तो बता दूं क्या? ये देखो मुझे चैलेंज करी, बता दूं? नहीं नहीं नहीं, इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा, फिर भाई बताएगा। जय बद्री विशाल। मेरे तो मालूम जी, बता दी नहीं बताना है। क्या पता था ये? नहीं नहीं मेरे को नहीं मालूम था।